And welcome to exam study. First of all, sorry for delay in uploading the video. And the last video was on Aurangzeb. We were discussing about the Mughal rulers. So I had covered from Babur to Aurangzeb. Now we will discuss about all the Mughal rulers after Aurangzeb. Those rulers are known as later Mughals. They were not so strong. The expansion was not there. In fact, the kingdom of Mughals were shrunk to some kilometers around Delhi, and finally after 1857 the Mughal empire vanished. So first we will discuss about the Mughal ruler who took the throne after the death of Aurangzeb. So 1707 mein Aurangzeb ki death hoti hai, uske baad mein there was a war of succession between his three son, Muazzam jo ki Kabul ka governor tha, Azam governor of Gujarat, and Kambaksh था गवर्नर ऑफ डेक्कन. ये तीन बेटे थे औरंगजेब के. इनके बीच में लड़ाई होती है राजगद्दी को लेकर. तो इनके बीच में जो लड़ाइयाँ हुई उसमें सब जीतता है मुअज्जम, एंड ही वॉज कॉरोनेटेड एज द एम्परर ऑफ इंडिया अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह वन. 1707 से 1712 का इसका टाइम पीरियड था. 63 साल का था, तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था जब इनका कॉरोनेशन हुआ. सबसे पहला इनका मिलिट्री कैंपेन था अगेंस्ट अजीत सिंह ऑफ जोधपुर. उसके बाद में बंदा बहादुर के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन किया, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पॉलिटिकल हेयर थे. बंदा बहादुर ने इन्हीं के टाइम के दौरान टाइटल लिया सच्चा पशाह का. इनको हेडलेस किंग के तौर पर जाना जाता था, शाही बेखबर. नेक्स्ट रूलर थे जहांदर शाह. तो बहादुर शाह की भी डेथ के बाद में फिर से वार ऑफ सक्सेशन होता है. चार बेटे थे बहादुर शाह के, जहांदर शाह, अजीमुशान, रफीजुशान और जहान शाह. और इसमें से जहांदर शाह विक्टोरियस होते हैं. ही वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ मिसरूल. क्यों? क्योंकि उनका जो कोर्ट था दैट वॉज ऑक्यूपाइड बाई सिंगर एंड डांसर्स, और जितने भी लर्न्ड और टैलेंटेड इंसान थे उस दैट ऑल ऑफ दोज वर ड्रिवन फ्रॉम हिज कोर्ट. इनफैक्ट वो खुद एक कॉन्कुबाइन के साथ रहते. कॉन्कुबाइन यू कैन से अ फीमेल हु लिव्स विद अ मेल विदाउट मैरिज. सो दिस वॉज द रीज़न ही वॉज नोन एज लॉर्ड ऑफ मिसरूल, बिकॉज उनके टाइम में रूलिंग तो कहीं थी नहीं, सब कुछ मिसरूल ही था. तो जितने भी टैलेंटेड और लोग थे और लर्न मैन थे दे वर डिवन आउट ऑफ द कोर्ट, एंड द सिंगर्स एंड डांसर्स ऑक्यूपाइड द कोर्ट. एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनका वो रन किया जाता था उनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार खान से. बट जुल्फ़िकार खान को हटा दिया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ नोबल्स, और वो नोबल्स जो थे जहांदर शाह को सपोर्ट ही नहीं करते थे, चाहते ही नहीं थे कि जहांदर शाह उनका राजा रहे. ही दे सपोर्टेड फारूक शियार वॉज जहांदर शाह कज़न. एंड फाइनली इन आगरा इन फारूक शियार डिफीटेड जहांदर शाह, एंड द एम्परर वर पुट टू डेथ इन 1713. 1713 में इनका भी टाइम पीरियड खत्म होता. बहुत ही छोटा टाइम पीरियड था, एक साल का जहांदर शाह ने रूल किया. उसके बाद में 1713 में इनकी मृत्यु हो जाती है फारूक शियार के द्वारा. नेक्स्ट इसके बाद में फारूक शियार गद्दी पे बैठते हैं. 6 साल का इनका टाइम पीरियड था 1713 से 1719. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसके हाथ में थी, सैयद ब्रदर्स के हाथ में. जुल्फ़िकार खान जो कि जहांदर शाह के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इनका मर्डर करा दिया. नेक्स्ट इनकी अटेंशन गई गुरु बंदा बहादुर जो कि सिख गुरु थे. लेटर ऑन ही वॉज एग्जीक्यूट, मतलब उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया था. मुगल्स ने सिख गुरुज़ को काफ़ी एग्जीक्यूट कराया था, तो ये भी इन्होंने बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट कराया था. उसके बाद में इन्होंने जाट रूलर जो चूड़ामन थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और 1717 में इन्होंने रॉयल फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वो बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं. फारूक शियार वॉज द फर्स्ट रूलर हु वॉज मर्डर्ड बाय द नोबल्स. साथ ही ये एक चीज़ की और जाने जाते हैं, ही वॉज द मोस्ट इनकैपेबल रूलर. इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद शाह की. मोहम्मद शाह 1719 टू 1748, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सैयद ब्रदर्स के हाथ में ही थी. इन्होंने ही सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया विद द हेल्प ऑफ हिज वजीर चिन क्विल्च खान. ही वॉज इंडल्ज इन वाइन, वुमेन एंड स्पोर्ट्स. ये तीन कमजोरियाँ थी, इसीलिए इनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था. अवध ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. उसके बाद में अली वर्दक खान जो कि बंगाल में थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया एज द रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. तो इनके टाइम में ये हुआ. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़
जो इनके टाइम में हुई इट वॉज नादिर शाह इन्वेडेड इन 1739। ही वॉज द ईरानियन इन्वेडर। उसने 1739 में इंडिया में आक्रमण किया और पीकॉक थ्रोन जो है शाहजहां को ने जो बनवाया था और कोहिनूर डायमंड ये दोनों लूट कर ले गया। ऑल्सो एंड उसकी आर्मी को चेक करने के लिए ही एडवांसमेंट चेक करने के लिए नादिर शाह ने की आर्मी को चेक करने के लिए जो मुग़ल आर्मी थी वो भेजी गई करनाल में। और करनाल में क्या हुआ, 3 घंटे के युद्ध के अंदर ही मुग़ल आर्मी हार गई नादिर शाह की आर्मी से। तो उसी के टाइम में ये क्या नाम है का मुग़ल रूलर के टाइम में एक अलग अनदर इन्वेडर थे अली मोहम्मद खान रूहेला, इन्होंने रूहेलखंड को रीनेम किया। 1738 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको सक्सीड करते हैं इनके बेटे अहमद शाह। तो अहमद शाह का जो रीन था वो था 1748 से 1754 और उनका जो रीन था वो जाना गया अहमद शाह अब्दाली के लिए जिन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया 5 बार। 1748 में पहला हुआ था, 1761 में आखिरी हुआ था। तो जो अहमद शाह थे वो एक अफगान इन्वेडर थे जिन्होंने कि इंडिया पे 5 बार आक्रमण किया। अहमद शाह जो मुग़ल एम्परर थे इन्होंने क्या किया, जो अहमद शाह अब्दाली अफगान इन्वेडर था उसको मुल्तान और पंजाब का हिस्सा दे दिया। हालांकि 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में आते हैं आलमगीर सेकेंड। 5 साल का इनका रूल था 1754 टू 1759। एक पपेट की तरह थे इन द हैंड्स ऑफ हिज वज़ीर। इनका अपने से खुद डिसीजन नहीं ले सकते थे, ये एक पपेट किंग थे, सारे डिसीजन वज़ीर लेते थे। अहमद शाह अब्दाली इन्वेड फॉर द फोर्थ टाइम, इनके बाद टाइम में उसने 4th बार आक्रमण किया, 3 बार वो पहले कर चुका था। असैसिनेटेड कर दिए गए बाय हिज वज़ीर इमादुल मुल्क ने इन्हें जो इनका वज़ीर था इन्हें मरवा दिया 1759 में। इनके बाद में आते हैं शाह आलम, अपॉइंट शुजादुल्ला जो थे इन्होंने शाह आलम ने शुजादुल्ला को एज अ वज़ीर अपॉइंट किया दिल्ली में और खुद रहे ये ईस्टर्न प्रोविंस में। क्यों रहे, उसका एक कारण था 12 साल ये ईस्टर्न प्रोविंस में रहे थे और गद्दी जो थी वो 12 साल बिना किसी राजा की थी। रीज़न ये था कि ही फियर्ड अ स्ट्रगल बिटवीन मराठाज एंड अफगान। सेकेंड अहमद शाह अब्दाली जो कि जिसका मेन मकसद यहाँ पर आके लूटपाट करना था, उसने इन शाह आलम को अपॉइंट कर दिया एम्परर के लिए। बट शाह आलम बिहार में थे तो अराउंड आप टेक्निकली बोलें तो 1760 से 1771 के बीच में ये 11 साल का जो टाइम था, इस टाइम जो थ्रोन ऑफ दिल्ली थी वो खाली ही रही बिना राजा के। शाह आलम टू शुजादुल्ला और मिर कासिम वो जिसे अंग्रेज़ों ने बंगाल से भगा दिया था उसकी जगह, इन तो ये तीन जो है यूनाइट हुए और इन्होंने 1764 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ा बैटल ऑफ बक्सर। हालांकि ये लोग हार गए थे तो शाह आलम टू वॉज कंपेल्ड टू मेक पीस विद ब्रिटिश। अब शाह आलम टू जो थे गुलाम कादिर रुहेला थे, 1788 में उन्होंने उन शाह आलम को अंधा कर दिया और 1805 तक आते आते ब्रिटिश अम्पायर का कंट्रोल जो था पूरा कैपिटल सिटी के ऊपर हो गया। और उसके बाद में 1806 तक वो एक पेंशनर थे ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। तो 1806 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट रूलर आते हैं अकबर टू, जो कि 1806 से 1837 के बीच में जिन्होंने राज किया, तो और शाह आलम टू के जो बेटे थे। उसके बाद में आए बहादुर शाह सेकेंड, 1837 से 1857 तक का टाइम था, 20 साल, जिसमें इन्होंने रूल किया। ही वॉज फॉन्ड वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री, तो पोएम और गज़ल्स लिखते थे अंडर द पेन नेम जफ़र। म्यूटिनी जो हुई थी 1857 की, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद में म्यूटिनी जब सप्रेस कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इनको एग्जाइल कर दिया गया रंगून 1858 में, जहां 4 साल बाद 1862 में इनकी डेथ हो गई। सो दीज आर सम फैक्ट्स दैट आई हैड कंपाइल्ड। 1717 में क्या हुआ, फारूक शियार ने रॉयल फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी को
1724 में चिनकेल्च खान हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया, जो इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था, उसके बाद में इस्टेब्लिश किया था 1739 में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया, 4861 में अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया 5 बार, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये जो कि हुआ अफगान और मराठास के बीच में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, शाह आलम, शुजादुल्ला और मीर कासिम, दीज थ्री फोर्सेज कम्बाइंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1764, और 1858 में बहादुर शाह को रंगून डिपोर्ट कर दिया गया आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857। अब ये है आपके लिए कि इसमें आपको मैच करनी है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, दिस इज कॉलम ए एंड दिस इज कॉलम बी। अब इसको मैच करने के बाद में जो आंसर्स हैं ये मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।